कोलकाता में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं इस मसले पर सियासत भी जोरों पर है। देखते हैं एक रिपोर्ट। गुरुवार का दिन कोलकाता के लिए काला दिन बनकर आया, जहां पिछले 7 सालों से बन रहा निर्माणाधीन फ्लाईओवर अचानक बह गया। इस हादसे ने 24 जिंदगियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, जबकि 85 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, सूबे की ममता सरकार या फिर फ्लाईओवर का निर्माण कर रही IVRCL कंपनी। इस मामले में भले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के 5 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया हो, लेकिन कंपनी इसे भगवान की मर्जी बताकर किसी भी लापरवाही की बात से बचती नजर आ रही है। वही निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने विस्फोट की आशंका भी जताई है। वहीं सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में पूरा ठीकरा पूर्व लेफ्ट सरकार के सर फोड़ दिया है। ममता ने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 2008 में CPM सरकार के समय में शुरू हुआ था, हमारे नहीं। ममता के इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि TMC सरकार ने फ्लाईओवर हादसे को लेकर राहत और बचाव कार्य में आपराधिक लापरवाही दिखाई है। उन्होंने कहा कि TMC पिछली वामपंथी सरकार की तरह ही भ्रष्टाचार में संलिप्त रही, जिसके कारण इस हादसे ने 24 लोगों की जान ले ली। तो साफ है कि कोलकाता के दर्द पर मलहम लगाने के बजाय सियासत का खेल जारी है, लेकिन जनता जवाब चाहती है कि उनके इस दर्द के लिए कसूरवार कौन है।